अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है आपका, उम्मीद है आप क्या रस्से हो गए। तो अब मैं चलता हूँ अपने सेटअप पे। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने सेटअप पे जाके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह आजकल मेरे परिंदे अल्लाह के करम से, अल्लाह ने जरा बात सोचा है, बहुत चुस्त है, माशाल्लाह सही है। बस आपकी दुआ के साथ ये मेरा सिलसिला जारी रहेगा हमेशा। ये मैंने देखा डब ने माशाल्लाह अंडे शायद लिंक कर दिए थे, तो जब मैंने इन्हें देखा तो ये भी ठीक था माशाल्लाह। ये चार पीस हो गई है, आप सोचोगे कैसे, क्योंकि रात के मैं एक और जोड़ा लेके आया, मैंने इन्हें अभी इकट्ठा ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई नहीं, अभी ज़रा सही हो ले, फिर इनके लिए भी एक और लगाता हूँ, या फिर हो सकता है इसे मैं अपने फ्रेंड को सेल कर दूँ। तो बस आपकी दुआ से ये मैंने बल्ब लगाया था कि यार कमरे में इनके लिए रोशनी हो, क्योंकि यार मैं लाइट तो ठीक करवाने गया था पिछले व्लॉग में, आपने देखा ही होगा लाइट ठीक नहीं हुई, तो यार जिसकी वजह से मुझे ज़ीरो से साइज़ का बल्ब लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ये कमरे में मैंने इन्हें रखा हुआ है, ये इनका मछला दाना दुना है, और ये सारे अंडे ख़राब हुए यार। बस यार आप दुआ किया करो जिसकी वजह से मेरी तादाद में इजाफा हो इनकी तोतों की, जिसकी वजह से अंडे बार बार ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने फिर इनका निकाला दाना, क्योंकि मुझे करना था इनका दाना साफ़, तो मैंने दाना निकाल के एक एक का बाहर रखा। तो क्योंकि जाहिर सी बात है आप रोज़ाना इनका दाना, रोज़ाना तो नहीं खैर, जब दिल किया मतलब कि जब ख़राब हुई, दरवाज़ा भी बड़ा डीट था, तो ये बहुत मुश्किल से मैंने खोला। उसके बाद मैं डब्बिया सारों की आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक निकालता गया। यार घर वाले बस कहते हैं ना बनाया करो लोग, इसमें कुछ नहीं रखा, मगर यार मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे आइए माशाल्लाह, मुझे लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे, जिनकी वजह से इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना माशाल्लाह बड़ा सेटअप बनाऊँगा। क्योंकि आपको भी मेरी वीडियो से देखने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ लेनी देनी हो या फिर कोई भी मसला हो, किसी चीज़ की शिकायत हो, क्योंकि मेरा माशाल्लाह बड़ा सेटअप भी है, वो कज़न का ही ऐसा मिले, तो इस वजह से वो मैंने कहा अगर आपको कुछ लेना हो देना हो इंशाल्लाह एक दिन उसके जैसा आप भी सेटअप बनाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, तो अगर आपने कुछ लेना हो, सेल करना हो या परचेज़ करना हो, जावा फिंच डव या फिर कोई होगो वगैरह के जोड़े कुछ भी करना हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करूँगा, शुक्रिया। तो उसके बाद मैं इनका दाना बहुत साफ़ करने लगा। अब तो कैसे ही आप दाना साफ़ करते हैं, देखो जैसे मैंने बहुत मुश्किल से, कभी कभी तो आंखों में भी जाता, मगर यार कभी मैंने प्रैक्टिस ले ली है, क्योंकि वो समझ लो मेरा आधा उस्ताद ही है, क्योंकि मैं उसके बाद अगर जाता हूँ ना उसके शेड में, माशाल्लाह साथ ही है मेरे बिल्कुल, तो छत से जाता हूँ ना उसके शेड में, तो यार वो भी ऐसे करता है ना, तो उसने तो खैर बाकायदा पंखा लगाया, वो रातों रात ऐसे ही रहता है, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा कोई 100-150 जोड़ा है उसका माशाल्लाह। तो इसी वजह से उसने भी काफ़ी अपना माशाल्लाह प्यारा सेटअप बनाया, लाइटें लुटे लगाई है, सर्दियों में हीटर, गर्मियों में कूलर। तो इसके बाद मैंने दाना साफ़ कर दिया, बल्ब मुझे इधर सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं इन्हें सही रोशनी आएगी भी कि नहीं आएगी, तो मैंने सोचा इसे ऊपर रखूँ, ऊपर लगाना चाहिए। तो मैं अब सोच रहा था किधर लगाऊँ, मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ जुगड़ ढूंढने की कोशिश की, मगर यार ऊपर में जा भी नहीं रहा था। फिर मैं ले आया सीढ़ी, मैंने सोचा ऊपर ही लगा दी, मैंने अब ऊपर लगा दी है, क्योंकि ये इसे लोहे की तार बांध के ऊपर लगा दी, क्योंकि अब इधर से सही इन्हें रोशनी पहुँच जाएगी, क्योंकि रोशनी अब पूरे कमरे में फैल जाएगी। उसके बाद दाना मैं अब डालने लगा, दाने का छापड़ पकड़ लिया मैंने, छापड़ खोलने के बाद मैंने देखा इनका दाना मुझे कम लग रहा था, मैं कम अगर पूरा आ ही जाएगा इनका दाना डालने के बाद, अब मैं कहा ये बेचारे डब का भी दाना डाल दो, आप भी शायद क्या बाजरी खिलाते हो, पहले मैं वो खिलाता था कंगनी, मैं कहा मगर बाद में यार महंगी बड़ी हो गया क्या करें, मारे बंदे हैं इन्हें, फिर मैं कहा बाजरी खिला दिया करे, तो बाजरी से भी माशाल्लाह फिट रहते, क्योंकि ये ज़रा एक्टिव होती है, मतलब बाजरी भी से इन्हें सेहत इनकी अच्छी हो जाती है बाजरी से। तो उसके बाद मैंने सारे दाने दुनिया भर लिए, और मैंने सोचा अब इनके दाने अंदर रख लो, मैं इसका भी अंदर रख दिया दाना, क्योंकि यार ये न खाएंगे तो आगे से कुछ देंगे ना, समझ रहे, खाएंगे तो आगे से कुछ करेंगे, तो इनका भी मैंने कर दिया। ये भी माशाल्लाह अभी अंडे तो नहीं दिए, मगर अब सीज़न तो आ ही गया है, इंशाल्लाह दे देंगे ये भी अंडे, कोई ऐसी मुझे जल्दी भी नहीं। हाँ तो कोई नहीं, और आप सुनाओ आपका क्या हो रहा है आजकल। तो ये आप दाना दुना रखा, मैंने चेक किया, इन्हें लाने की भी कोशिश की कि यार साइड पर हो देखो अंडा है, पता नहीं है कि नहीं, मैंने फिर इन्हें छेड़े ही नहीं, मैं कहा चलो गड़माइश दे रहे हैं दे लें। और लाइक करो सब्सक्राइब करो।